गोरखपुर में शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर केवल मात्र 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,359 पहुंच गया है। इनमें 20,881 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 355 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 123 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। शुक्रवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 5 नए मरीज मिले हैं। इनमें कोतवाली, रामगढ़ ताल और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक एक और कैंट थाना क्षेत्र में 2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा और पिपराइस थाना क्षेत्र में एक एक मरीज मिले हैं। इनकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सबको लग नहीं जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।